अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं नैयर अब्बास टी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज अफेयर और क्लोज बार। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन हमें क्या कहती है? लेट एक्स टी बी या मेट्रिक स्पेस अ सबसेट ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज लेस देन आर इक्वल टू सम फिक्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एक्स टी भी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, उसका कोई सबसेट है ए, और ए में वो वाले पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर से कम है, आर इक्वल टू हो। एक्स टी भी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, उसके अंदर एक्स नॉट कोई फिक्स नंबर है, कोई फिक्स पॉइंट है, और आर जो है आर है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्लोज बॉल के अंदर वो वाले तमाम पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से इनके फिक्स पॉइंट से जिनका डिस्टेंस आर की इक्वल या आर से कम होगा, मतलब जहाँ तक आर है इसके अंदर तमाम वाले पॉइंट्स क्लोज बॉल में शामिल होंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इस आर से तो कम है ना, सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे क्लोज बॉल के अंदर, और ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी शामिल होंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन भी साथ में आ रहा है। तो इक्वल टू का मतलब है ये बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स, ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी क्लोज बॉल में शामिल होंगे। ओपन बॉल और क्लोज बॉल में सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क है, ओपन बॉल में ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स शामिल नहीं होते, और क्लोज बॉल में ये वाले बाउंड्री वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये भी शामिल होते हैं। बस यही मेन डिफरेंस है ओपन बॉल में और क्लोज बॉल में। तो ये जो एक्स नॉट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ क्लोज बॉल, एंड ये जो आर है आर को कहते हैं रेडियस ऑफ क्लोज बॉल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ क्लोज बॉल व्हाइल द फिक्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ क्लोज बॉल। अ क्लोज स्फीयर विच सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाई एस आर ऑफ एक्स नॉट। ओपन बॉल में छोटी ब्रैकेट थी, लेकिन क्लोज बॉल में बड़े वाली ब्रैकेट होगी। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, एस आर ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन एंड इक्वल टू आर। ओपन बॉल में सिर्फ लेस देन का साइन होता है, इक्वल टू नहीं होता। बस यही डिफरेंस है ओपन बॉल और क्लोज बॉल में। उसके बाद यूनिट ओपन बॉल, यूनिट क्लोज बॉल। If the radius of closed ball is 1, then it is called unit open ball. Then it is called closed ball. Mathematically, S1, क्योंकि radius 1 है तो यहाँ पर r की जगह 1 लिखेंगे, S1 of x naught is equal to x belongs to x, d of x, x naught is less than or equal to 1. नोट, अ क्लोज बॉल इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी बिकॉज इट्स कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट दैट इज इट्स सेंटर। ये वाली बात याद रखने वाली है कि क्लोज बॉल कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होती। उसके
उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि उसमें हमेशा सेंटर तो लाई करता है, और कोई पॉइंट लाई करे या ना करे सेंटर उसमें लाई ज़रूर करता है। हम इसकी एग्जांपल करेंगे। शो दैट अ क्लोज बॉल इन अ मेट्रिक इन अ रियल लाइन आर इज क्लोज इंटरवल। रियल लाइन के ऊपर जो क्लोज बॉल बनती है वो क्लोज इंटरवल होती है, इसको हमने साबित करना है। सॉल्यूशन, द मेट्रिक ऑन रियल लाइन इज डिफाइंड एज, इनकी मेट्रिक पे जो जो रियल लाइन पे मेट्रिक बनती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल का मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो बी द सेंटर एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स नॉट सेंटर होगा और आर इज़ अ रेडियस ऑफ क्लोज बॉल, देन एस आर ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन एंड इक्वल टू आर। तो डी ऑफ एक्स एक्स नॉट की जगह पे हम उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली जो डेफिनेशन है इसकी जगह हम ये लिखेंगे एक्स माइनस एक्स होल का मॉड। मॉड को खोलेंगे, मॉड की प्रॉपर्टी अगर उसको खोलेंगे तो ये नेगेटिव आर और पॉजिटिव आर में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव आर एक्स माइनस एक्स नॉट से कम होगा और पॉजिटिव आर इससे बड़ा होगा। तो ये नेगेटिव आर है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर भी आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो x माइनस आर लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू x नॉट प्लस आर, इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब है x नॉट माइनस आर भी शामिल होगा x की वैल्यूज में और x नॉट प्लस आर भी शामिल होगा। तो ये एक क्लोज इंटरवल बनेगा, वो एस आर ऑफ x नॉट इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल x नॉट माइनस आर कॉमा x नॉट प्लस आर which is the close interval of length 2r। ये close interval है जिसकी length 2r है। पीछे भी हम कर चुके हैं कि length कैसे निकालते हैं, ये वाली जो value है इसमें से ये वाली value को subtract कर देंगे, दूसरी value में से पहली value को subtract करेंगे तो हमारे पास जो value आएगी उसको कहेंगे length। Note, एस वन ऑफ एक्स नॉट, यानी कि अगर रेडियस वन हो सेंटर ज़ीरो हो तो उसका आंसर क्या होगा, यानी कि एक्स नॉट माइनस आर उसकी लेंथ कितनी होगी और वो इंटरवल, और वो जो इंटरवल होगा वो कैसा होगा। एक्स नॉट की जगह ज़ीरो और आर की जगह वन, एक्स नॉट की जगह ज़ीरो और वन, ये नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन, वो वाला इंटरवल नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन होगा और उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लेंथ होगी वन माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा वन और ये प्लस वन, ये टू हो जाएगी और इसकी लेंथ टू हो जाएगी। क्लोज बॉल की दूसरी एग्जांपल है, फाइंड क्लोज स्फीयर इन आर, अगर एक्स नॉट इज इक्वल टू वन हो आर इज इक्वल टू 0.5 हो, तो यानी कि आर हमें दिया, एक्स भी दिया हुआ, एक्स नॉट भी दिया हुआ है, सेंटर भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, तो हमें क्लोज बॉल फाइंड करनी है। तो इसकी तरफ लिखेंगे जैसे ही ऐसा फार एक्स नॉट लिखते हैं, आर की जगह 0.5 लिखेंगे और एक्स नॉट की जगह 1 लिखेंगे, एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर इंटरवल्स के मुताबिक, एक्स नॉट की जगह 1 और आर की जगह 0.5 सेम है, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल 0.5 और ये 1 में 0.5 ऐड हुआ तो 1.5, तो ये वाला इंटरवल क्लोज इंटरवल हो गया जिसका रेडियस 0.5 है और सेंटर 1 है। उसका जो ओपन इंटरवल बनता है वो बनता है 0.5 और 1.5।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।